गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय गुरु जी। गर्मा गर्म आलू के पराठे बन रहे हैं मक्खन और दही के साथ। आ जाओ आप भी खाओ। फ्रेंड्स, टाइम फॉर एडिटिंग वीडियोस। नाश्ता वाश्ता हो गया, अब थोड़ी देर करेंगे एडिटिंग और उसके बाद मिलेंगे आपको नहा धो के योगा मैट पे। हेलो गाइस, तो नहा धो के रेडी, जय हो गई और टाइम फॉर योगा। चलते हैं लिविंग रूम में, मैट बिछा के करते हैं योगा। जी, हो गई हमारी आज का योगा सेशन, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। शुक्राना कि आपने मुझे हिम्मत दी, क्योंकि कल जब मैंने खुद किया था ना तो इतना रिग्रेस कर लिया था कि मेरे दर्द हो गई थी एब्स में और बैक में। फिर मैंने बैक की एक्सरसाइज भी शाम को करी दोबारा, तो ठीक हो गया। और क्या है ना कि जब भी आप थोड़ा गैप के बाद शुरू करते हो तो फिर से बॉडी को एक्वेंट होने में टाइम लगता है, स्ट्रेचिंग चाहिए होती है उसकी। एक दो दिन थोड़ा सा पेन होता है कहीं कहीं, फिर अगर रेगुलर करते रहो उस पेन में भी तो ठीक हो जाता है। तो आज मेरी वही कोशिश थी कि मुझे पेन हुआ है लेकिन फिर भी मुझे करना है ताकि रेगुलरिटी आए और ये पेन हट जाए। एंड गाइस, मैं पूरा पूरा योगा सेशन तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती, मेरा तो फ़ोन ही भर जाएगा इतना 45 मिनट्स का अगर मैं रोज़ करूँगी तो। मैं कभी कुछ आसन वगैरह रिकॉर्ड कर लूँगी या स्टार्टिंग और एंडिंग रिकॉर्ड कर लूँगी। और अगर आप कहोगे कि कुछ स्पेसिफिक आसन आपको दिखाऊँ जो मुझे पता चले हैं, तो फिर मैं कोई पर्टिकुलर आसन रिकॉर्ड कर लिया करूँगी, ठीक है। तो अभी बैक टू एडिटिंग, बहुत सारा काम अभी मुझे बचा है एडिटिंग का करना है। शॉर्ट्स, रील्स, वीडियोज़, व्लॉग्स और मकबैंग वगैरह सब अरेंज करना है मुझे, और कंटेंट राइटिंग भी करनी है कि मुझे अगला वीडियो किस चीज़ का शूट करना है, क्या करना है, कैसे, वो सब भी। सफाई बस ख़त्म होने वाली है घर की, अभी पोछा लग रहा है, ऑलमोस्ट डन है, बस वेजिटेबल कटिंग रह गई है, फिर मेड भी चली जाएगी। एंड यस, फिर कुछ करेंगे डिफरेंट आज, ठीक है। हेलो जी, लंच टाइम गाइस। तो अभी मैं मम्मी को लंच देकर आई हूँ और मैं अपना ले आई हूँ थाली। मैंने आज माँ चने की दाल बनाई थी, पार्थ और मोहित को भी दी है स्कूल ऑफिस के लिए, और मम्मी और मैं खा रहे हैं। ये मेरी बीट रूट चपाती, ये मैंने हरी चटनी बना रखी है नारियल डाल के धनिए वाली, और ये कुचुम्बर सैलेड, कैरेट एंड मूली का, नींबू एंड ब्लैक पेपर, नो सॉल्ट। ये मुझे सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है कुचुम्बर सैलेड ना, हम तो इसे कुचुम्बर सैलेड ही कहते हैं। तो आज मैं बेड पे बैठ के खा रही हूँ, डाइनिंग टेबल पे नहीं, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है आज, और साथ में थोड़ा सा टीवी भी देखूँगी। जय गुरु जी, जय अन्नपूर्णा माता की। फ्रेंड्स, आ जाओ साथ में खाएंगे। गाइस, अपने लाल को बिठा के टिका दिया है मैंने। हाय, हेलो, हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? व्हाट्स अप? नथिंग, नथिंग मच, नथिंग, नथिंग। ओह माय गॉड, द रूफ्स अप। ओह जीस, व्हाट डस दैट मीन? व्हाट्स अप? रूफ्स अप। Oh my god! Hands up. You're a pro, man. That was a very bad PJ. Cringe, you mean? Maybe. Kind of. Okay, guys. Snacky time. So, guys, sandwiches banayenge hum mast se healthy, khub sari veggies dalke. To veggies dal lete hain. Veggies. Paneer. कैमरा किधर चला जाता है मेरा? सो म्याऊ। तो आफ्टर सम म्याऊ, ये दिख रही है आपको, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, सम केचप, हॉट एंड स्वीट, ओके, सम सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ठीक है, एंड ब्लैक पेपर, या then we have pizza oregano, jada stall mat mar priya,
पता नहीं कभी कभी निकलने लगता है गाइस, एक्सक्यूज मी प्लीज, एंड सम चिली फ्लेक्स यू नो, ये एंड व्हाट एल्स, आई गेस दैट्स इट, लेट्स मिक्स इट अप। वेल गाइस, द मिक्स इज रेडी। बस मेरे पास सैंडविच स्प्रेड नहीं था, वो ऑरेंज वाला, वरना तो वो और भी गदर हो जाता। कूल ब्रेड पे लगा के ग्रिल कर देंगे। स्नैक टाइम बेबी, बन गया हमारा सैंडविच, ग्रीन चटनी एंड केचप के साथ सर्व किया जाएगा। बॉय बी केयरफुल, कप ना गिर जाए। द सैंडविच, व्हाट सैंडविच? द ग्रिल्ड पनीर वेजी सैंडविच, ओह माय गॉड, विद मेयो चिपोटले सास। चिपोटले सास का सुना होगे, एनी एनी बोल रही हूं। एक और आ रहा है, ओके। फड़फड़ा रही है धड़कने, टोस्ट हो रहा है मस्त मस्त से, बंद कर दूं चल ना जाए। पार्थ, डू यू लाइक इट? आई लव इट। ओह रियली? ग्रेट, एंजॉय। क्या? ये आपको दिखा प्राणी, इसको मैं कब से बोल रही हूँ, बंद कर दे टीवी। अरे कर रहा हूँ अभी। सो गाइस, अब ये जाएगा अपना होमवर्क करने, और हमारा स्नैक हो चुका है, मैंने चाय पी ली है और हाफ टोस्ट भी खा लिया है, और अब इसके पापा आएंगे। पापा, पापा पढ़िए मेरे को। कोई नहीं, तो जाके पढ़ाई कर ले, इसके पापा आएंगे तो उनको भी हम वेज सैंडविच खिलाएंगे चाय के साथ। पापा, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, सच्ची में बताऊँ आपको, मतलब योगा क्लास जब से मेरी बंद हो गई है ना, जो शाम को होती थी और मैं अब खुद सुबह कर रही हूँ, तो सुबह सारा कुछ इतना टाइम से हो जाता है ना मेरा, मैं फ्री हो जाती हूँ, मेरी इवनिंग फ्री हो जाती है, नहीं तो मेरे को हमेशा स्ट्रेस रहता था, ओहो योगा क्लास है, इनको भी स्नैक देने हैं, वो भी आने वाले हैं, इसको भी देखना है, मेड भी आने वाली है, तो मेरा मन नहीं लगता था शाम की योगा क्लास में, हमेशा मन करता था स्किप कर दूँ या कभी नींद आ जाती थी। लेकिन दिन में नहा धो के फ्रेश होकर, घर का काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होता है मेड का, तब मैं बैठती हूँ योगा करने, तो और करके फ्री भी हो जाती हूँ अराउंड 11:30 तक, तो बड़ा ही मज़ा आता है। जय गुरुजी। फाइनली किचन में आ गई हूँ मैं, अभी अभी मेड गई है शाम का काम करके, और अब मैं डिनर बनाने लगी हूँ। डिनर में मैं बना रही हूँ गोभी के कोफ्ते, घिये के कोफ्ते तो आप हर बार देखते रहते हो मेरे, है ना, घिया पनीर के भी देख चुके हो, आज गोभी के कोफ्ते बन रहे हैं, और गोभी मैंने ग्रेट करवा ली है, तो डिनर में बनाते हैं कोफ्ते। और ये लिपस्टिक का शेड मैंने मंगाया था ग्लैमेट का, वूवली से, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, ये मैं अपने ASMR में भी यूज़ करूँगी, अच्छा लग रहा है ना, इसलिए लगाया हुआ है मैंने। स्वेटर उतारा था अभी, मुझे थोड़ा सा जैकेट उतारी थी, गर्मी लग रही थी, फिर मुझे धीरे धीरे सिर में ठंड लगने लग गई, तो मैंने टोपी डाल ली, पर अभी किचन में काम करते टाइम मैं स्वेटर नहीं डाल रही, फिर मुझे बहुत गर्मी लग जाती है। तो आपके जी जू यानी मोहित की ऑफिस की कॉल चल रही है, ऑफिस से आने के बाद भी इनकी कोई कॉल पेंडिंग थी, वो कर रहे हैं मीटिंग। ये मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है, यहाँ पे मैं कोफ्ते का मिक्सचर तैयार कर रही हूँ। तो ये रही हमारे पास ग्रेटेड गोभी, इसको मैंने कोई स्क्वीज़ नहीं किया है, पानी नहीं निकाला इसका, क्योंकि हमें थोड़ा सा पानी तो चाहिए भी है ना। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अजवाइन, बहुत ज़रूरी है, गोभी के कोफ्ते हैं और बहुत गैस कर सकते हैं, इसलिए अजवाइन अदरक ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए। नमक डाल रही हूँ, नमकदानी में नमक डालने वाला हो रहा है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची, एंड हाउ कैन आई फॉरगेट, थोड़ा सा चंकी चाट मसाला, और साथ में इसमें मैं डालूँगी धनिया। ओप्स गाइस, थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट मैं धनिया अच्छे से डालती हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, जैसे कोफ्ते को आधा करो ना तो बीच में से ग्रीन वाइट मिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, और अदरक मैंने ग्रेट नहीं करा हुआ है शायद, अदरक मैं ग्रेट कर लेती हूँ फ़ोन साइड पे रख के। सो मैंने अदरक ग्रेट करके डाल दिया है, जब भी गोभी के कोफ्ते बनाओ या गोभी की कोई भी चीज़ तो उसमें अजवाइन अदरक खूब ज़रा डालना चाहिए ताकि वो गैस ना करे। और गैस मेरे को हाथ में पकड़ पकड़ के करना पड़ रहा है काम, क्योंकि मेरा किचन वाला ट्राईपॉड टूट चुका है, मैं आपको बता चुकी हूँ, और मैंने आज अमेज़ॉन पर एक और नया ट्राईपॉड ऑर्डर कर दिया है, इस बार मैंने स्टैंड वाला ही मंगाया है,
स्टैंड वाले भी दो थे घर में, एक मोहित यूज़ करते हैं एक मैं, तो मोहित वाला थोड़ा टूट गया और मुझे थोड़ा छोटे साइज़ का चाहिए था, इसलिए मैंने नया ऑर्डर किया है। ये मैंने डाल दिया इसमें बेसन। यहाँ पे मेरा तेल कुछ ज़्यादा गर्म हो गया है, इसकी मैं गैस लो कर देती हूँ और अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स, बढ़िया से इसका मिक्सचर बना लेते हैं, ठीक है इस तरह से। और इसकी बॉल्स बनाकर आपको मिलती हूँ अभी। टाडा गाइस, हमारे कोफ्ते रेडी हो गए। आज मैंने गोल नहीं, थोड़े से लंबे वाली शेप के बनाए हैं और ऑयल हमारा एकदम तेज़ गर्म होना चाहिए ताकि कोफ्ते डालते ही थोड़ी सी क्रस्ट बन जाए, ठीक है ना, नहीं तो कोफ्ते भूर जाएंगे। तेज़ गर्म तेल है, यस मैं डाल रही हूँ कोफ्ते अब, ठीक है। पहले ब्राइटनेस तेज़ हो गई थी, है ना, तो ये हम एक एक करके सारे कोफ्ते गर्म खोलते हुए तेल में डाल देंगे, खोलते हुए तेल में बहुत ही ध्यान से केयरफुली, हाथ ना जला लेना और ये बोलते बोलते कहीं मैं ना जला लूँ, ध्यान रखना प्रिया, प्यारी प्रिया, अपने सब्सक्राइबर्स की प्यारी प्यारी प्रिया। ये छोटू कोफ्ता, ये थोड़ा सा लग गया है दीवार पे, जस्ट इग्नोर। तो फ्राई करके क्रस्टी बना के कोफ्ते फिर मैं लो फ्लेम पे इनको पकाऊंगी 5 मिनट ताकि अंदर तक पक जाएं, फिर मिलती हूँ आपको और फिर बनाएंगे हम ग्रेवी। गाइस कोफ्ते फ्राई हो गए हैं हमारे, मस्त एकदम कुरकुरे ब्राउन कोफ्ते, तो बस इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। लो फ्लेम पर भी मैंने इनको फ्राई कर लिया है और यहाँ पे मैं ग्रेवी का मिक्सचर बना रही हूँ। तो इसमें ब्लेंडर में मैंने डाला है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, फिर हम ग्रेवी तैयार करेंगे और उसमें कोफ्ते डुबो देंगे। आप ही आ जाओ, आपको भी डिनर कराते हैं गर्मा गर्म फुलके कोफ्तों के साथ, साथ में मिलेगा सैलेड प्याज का। सो गाइस ग्रेवी तैयार करते हैं। मोहित की कॉल शुरू हो गई और वो कह रहे हैं कि अब मिक्सी की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ शोर मत करना, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी। ये है वॉक में मस्टर्ड ऑयल, तो मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, सब कुछ आपको पता है, गर्म हो चुका है तेल एकदम मस्त बढ़िया। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें हींग, खोल लूँ मैं, एक हाथ से काम करना पड़ेगा, तो सब कुछ रेडी होना चाहिए बस डालने के लिए। यस शुरू करते हैं, जीरा, हींग, ओके लो फ्लेम है, हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर, ओके मिक्स किया एंड इसमें हमारा ये तो डाल दिया मैंने सारा और अच्छे से हम ग्रेवी को अब पकाएंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, जितना मुझे चाहिए अब मैं बचा हुआ सारा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, इसके बाद मैं सॉल्ट नहीं डालूँगी इसमें। आवाज़ तो नहीं आ रही मेरी अंदर हैं? ओ ओ तो गाइस ये है, इसमें एक बॉयल आएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हमारी विस्क कर्ड और थोड़ा सा पानी, फिर हम उसको गड़का दिलाएंगे और बाकी का काम करेंगे, अभी बचा है बताती हूँ आपको, ठीक है 2 मिनट बॉयल आ जाएगा इसको। गाइस मैंने दही ऐड कर दिया इसमें और दही ऐड करते ही इसको लो फ्लेम पे स्टर स्टर एंड स्टर करते रहेंगे हम ताकि हमारी दही फटे नहीं, ठीक है, जब तक ये एकदम स्मूथ टेक्सचर में ना आ जाए, इसको स्टर करते रहो। ठंडी दही है फ्रिज की तो इसलिए ग्रेवी का जो हीट है थोड़ी कम हो जाएगी दही डालने से, तो फटेगी नहीं डोंट वरी, बट हिलाते रहेंगे नहीं तो फट जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया इसमें पानी ऐड और ये देखो ऐसी पतली वाली तरी की ही कंसिस्टेंसी है इसकी, जो थिकनेस है बस वो आपको दिख ही रही है मसाले की है। अब इसको हमने ढक के पकाना है 4 to 5 minutes ऑन मीडियम फ्लेम बढ़िया से, फिर मिलते हैं आपको, फिर इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी धनिया। फ्रेंड्स 4-5 minutes हो चुके हैं एंड यस ऑयल छोड़ दिया है ना ग्रेवी ने, तो यही निशानी होती है कि हमारी ग्रेवी पक गई है। अब मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी क्रश करके, तो
तो गाइस एकदम मस्त रेडी है। अब क्या है ना कि आपने अगर अभी खाना खाना है, सर्व करना है, तो आप कोफ्ते डाल लो और ढक के रख दो। बट मैंने अभी नहीं डालना है, सर्व करना है, क्योंकि अभी तो 7:45 बजे हैं, 8:30 तक खाएंगे, तो मैं तब ही डालूँगी और 5 मिनट उसको ढककर जब तक रोटी वोटी अरेंज करूँगी तब तक बॉईल करूँगी कोफ्तों को, नहीं तो फिर कोफ्ते सारा ग्रेवी चूस जाएंगे और फिर लोगों के लिए ग्रेवी बचेगी ही नहीं। डिनर तैयार हो गया, गोभी के कोफ्ते बनाया आज मैंने, गोभी के कोफ्ते। यो बेबी, अरे खाना नहीं है इसमें से मुँह, मैं खा खा रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, बहुत डैशिंग लग रहे हैं, एकदम वो लग रहा है जैसे कटलेट टाइप्स, थक गया यार बहुत ज्यादा, जिम भी नहीं जाऊंगा मैं, हो गई कॉल्स खत्म। हाँ खत्म हुई है। अरे क्या कर रहे हो, माउस से हिला दिया तुमने मेरा, मैं संभावना सेठ का ब्लॉग देख रही हूँ। हाँ अपना व्लॉग बना के संभावना सेठ का ब्लॉग देख रही हूँ, तो कभी कभी टाइम आता है जब मैं भी देखती हूँ ना अपने लोगों के, अभी अपर्णा देवयाल का देखा, अभी संभावना सेठ का देख रही हूँ। मेरी एक हस्बैंड ना अपने घर पे वापस आता है, उसकी वाइफ शुरू हो जाती है क्या सुनाने उसको, अपने दिनचर्या चिक चिक पिक पिक जो भी होती है, बाहर आया तो मैं देख लो तुम्हारी कॉल खत्म होती, तुम्हें सुन रही हूँ तुम्हारी चिक पिक पिक, सुनाओ खैर। हाँ तो वो वाइफ को कहता है यार मैं दिन से थका मांदा आया हूँ, मुझे थोड़ा रिलैक्स तो करने दो, मतलब दिन भर थका मांदा आया हूँ सारे दिन काम कर करके, फ्रेश होने दो थोड़ा मुझे, क्या कर रही हो ये। तो वो कहती है मैं भी तो दिन भर से वेट कर रही थी, मैं भी क्या कर रही हूँ, मैं भी तो फ्रेश ही हो रही हूँ, तो मैं सुना सुना वो पूरा दिन चुप रह के बोर हो गई होगी उसकी फ्रेश होने का तरीका वो बेचारा कह रहा है भगवान अब फिर सुनना पड़ेगा, और सही है फिर ऐसे ही होता है। तुम हो लिए फ्रेश, क्या करूं मैं तुम्हें फ्रेश, तुम होगी ना भी फ्रेश। खाना खा लो चलो, खाना हाँ खाना खा लेते हैं, बज गए 8:15 तो। तो फिर मैं करूं तुम्हें फ्रेश, मैं करती नहीं हूँ ना तुम्हें फ्रेश, सीधी सादी जो मिल गई है तुम्हें, इसलिए ऐसे जोक सुनाते हो तुम। इसके ऊपर भी एक जोक होता है, यू नो किस पे, सीधी सादी मिल गई के ऊपर, बस मेरे तो ऊपर जोक पुरानी शुरू हो जाती, तुम्हारी हर जोक निकल आता, इतनी सीधी सादी बीवी किसी को नहीं मिलती। एक बारी ना बंदा कहता है मेरे को अपने दोस्त को देख के ना रोना आ गया, जब उसकी बीवी ने उसको ये बोला 2 घंटे सुनाने के बाद, क्या सुनाएगा ऐसे ही जो भी उसने उसको सुनाया खरी खोटी, उसके बाद उसको बोलती है तुम्हें चरी बीवी मिली है, अगर कोई टेढ़ी मिल जाती ना तो 2 मिनट में सीधा कर देती तुम्हें, सीधी सादी बीवी मिली है तुम्हें। मैं वैसी नहीं हूँ, मैं सादी मिली हूँ, जय हो माता, मैं सिर्फ कुछ भी नहीं बोलती, तो मैं बड़ा मुक्का मार दूंगी, मैं बस यही बोलती हूँ, इसी में मेरा सारा लपेट जाता है। ए भगवान, चलो खा लो खा लो, सीधी सादी होती है तो भाई गऊ होती है। हाँ तो तुमने ना वो वाली हराफा औरतें देखी नहीं है जो पूरा, हाँ ये कौन सा शब्द है, उसका मतलब भी सुना हुआ है मैंने कहीं, मतलब ऐसे फर्राटा या हराफा भी समथिंग होता है, अगर वैसी पल्ले पड़ जाती ना तुम्हारी बेटे बम्बू की तरह सीधा करके रखती। भाई हम अभी भी सीधे हैं, हम कहाँ सीधे हैं, आप कहाँ कहाँ से ये बल्ब निकाल दोगे क्या, वैसे और कितना सीधा कर रहे हैं, सीधे नहीं है गाइस, जितने ही जमीन के ऊपर दिखते हैं उतने नीचे भी हैं, मैं ही जानती हूँ। हाँ ये मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक ऐसे मैंने भी कोई जोक सुना था, आज प्रीति ने व्हाट्सएप में मैसेज किया था इतना सही कि बीवी से, एक सेकंड रुको, हाँ प्रीति ने ये मैसेज भेजा था इतना सही लगा मुझे, गाइस आप भी सुनो कुछ बातें जो जिंदगी में हमेशा याद रखनी चाहिए, पहली पीपल आर नॉट सो बैड एज सीन ऑन पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, ठीक है, एंड आर नॉट सो गुड लुकिंग एज सीन ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप, वेरी ट्रू। सेकेंड वन, मैन आर नॉट एज बैड एज देयर वाइफ्स थिंक एंड नॉट एज गुड एज देयर मदर्स थिंक, राइट, एब्सोल्यूटली राइट। मेल क्राइटेरिया फॉर लाइफ पार्टनर, दे एक्सपेक्ट देयर वुमेन टू लुक लाइक मिस यूनिवर्स एंड वर्क लाइक मुनियामा, हु इज मुनियामा, आई डोंट नो, कोई होगी मुन्नी अम्मा समथिंग करके। फीमेल्स क्राइटेरिया फॉर लाइफ पार्टनर, दे एक्सपेक्ट देयर मैन टू अर्न लाइक अंबानी एंड बिहेव लाइक मनमोहन सिंह, दैट्स ट्रू मैन, वेरी सैड यू नो, गुड वन।
तो मेरे को वही याद आया था कि इतना बुरा भी नहीं होता आदमी आदमी जितना पीवी सोचती है, और इतना अच्छा नहीं होता जितना उसकी माँ समझती है मेरा बेटा अच्छा है। इसीलिए कह रही हूँ बेबी तुम आधे जमीन के नीचे हो, समझ गए ना। अरे वो तो तुम कह रही हो ना, तुम्हारी मेरे से पूछो तुम्हारी हाइट तो मैं बोल दूंगी 5 फुट, और मम्मी से पूछो तो बोल देंगे 6 फुट। हाँ तो मैं बीच में हूँ ना, 5 फुट 7 इंच। ठीक है चलो ठीक है, अब खा लो डिनर यार, गाइस बाय कर दो सबको। ओके गाइस सी यू, टाटा बाय। रुको मेरे साथ कर दो। हाँ देखो गाइस फ्रेम में सर्दी आ गई। गाइस सर्दी कौन आ गई? सर्दी सर्दी में ना सत्ती आ गई। सत्ती क्या बोल रही है? सत्ती सत्ती भी आ गई। देखो मेरे क्रिसमस भी आने वाला है। एक बारी ना एक जो क्या आ गया, सॉरी यार। हस्बैंड वाइफ ने कहीं जाना होता है तो वाइफ अपनी अलमीरा खोल के बोलती है, ये क्या मेरे पास तो 90 सूट है, मैं क्या पहनूं अभी? 90 सूट 90 सूट। हाँ तुम्हारा खोलूंगा, तुम्हारे तो 365 निकलेंगे। गिनती के बाद 20-25 भी नहीं होंगे। बस बोरी भर के निकलते हैं, जो पता है जब देने होते हैं। अच्छा बस कंट्रोल उधर देखो। वाइफ के कपड़े नहीं गिनने चाहिए कभी, बता। अरे तो जोक तो सुन लो। वो कहती है, कह रहा है कि तुम कह रहे हो तुम्हारे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, अगर ये तुम सारे कपड़े एक एक बार भी पहनोगे ना रोज बदल बदल के तो भी 3 महीने चलेंगे। कहती फिर बाकी के 9 महीनों का क्या, क्या करूंगी? तो चाहिए। ठीक है गाइस मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। पर प्रिया के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसके बाद 365 निकलेंगे। गाइस मेरे पास सिर्फ 30 होंगे मुश्किल से टोटल कपड़े, जिनको मैं पूरा साल रिपीट करती रहती हूँ। वो लोग व्लॉग में देखते हैं, मैं तो रोज ही रिपीट करती हूँ। एक ही मेरा नाइट स्वेटर सर्दियों में मैं पहने हुए हूँ हर जगह। उसके बाद जब वो निकलते हैं ना अंदर से, अरे ये भी था मेरे पास, अरे ये भी पड़ा था। वो अलग बात है कि मेरे पास होते हैं और वो पड़े ही रह जाते हैं, मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे याद नहीं रहता कि मेरे पास होते हैं। उसमें खो जाते हो, अंदर जाके ढूंढने पड़ते हैं। That's okay. That's very natural, you know. Guys, bye guys. मेरा time हो गया, अब मुझे पराठे मिलेंगे। जय गुरुजी। तेल तेल के, bye.